मित्रों, मैं तो अपनी खुशी जताने के लिए आया हूं। पहले मेरा मन करता था कि अगर अनुमति मिले तो हम भी हरिकोटा जाकर के देखें कैसे हो रहा है, बाद में मैंने सुझाव दिया था कि कुछ जो होनहार विद्यार्थी हो उनको गुजरात सरकार की तरफ से हम भेजें, वो देखें इन चीज़ों को, लेकिन वो भी हम वर्कआउट नहीं कर पाए। पर आखिर एक ही रास्ता बचा था, सुबह हम टीवी पर बैठे और देखते रहे कैसे जा रहा है। और बाद में आज मेरी कैबिनेट मीटिंग थी। नॉर्मली कैबिनेट में एजेंडा के काम होते हैं, लेकिन अब हमने एजेंडा से हट करके गुजरात सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है आप सबको बधाई देने के लिए। देश के सभी वैज्ञानिक अभिनंदन के अधिकारी हैं। तो बाद में मैंने यहां फोन किया, मैंने कहा मैं खुद आकर के मेरी सरकार ने जो प्रस्ताव किया है वो भी आपको देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और तब मुझे इतना ही था कि मैं आऊंगा चैम्बर में, रामतत्वरतन जी को और दो चार मित्रों को मिलूंगा और फिर जाऊंगा, लेकिन ये तो जैकेट का कोट हो गया। मुझे अच्छा लगा इतने कम समय में आप सबको बधाई देने का मुझे अवसर मिला। मतलब बड़े मन से अपनी प्रसन्नता, अपना आनंद उसे व्यक्त करना बस इसीलिए आया हूं, क्योंकि एक वैज्ञानिक इन्हें वे तपस्या करता है। मैं जब आया था राष्ट्रपति जी के साथ, अब्दुल कलाम जी के साथ, तो छोटी छोटी चीज़ें बारीकाई से सब मुझे रामरतन जी बता रहे थे। उस कैमरा का भी जिक्र उस समय हुआ था, उसके वेट की चर्चा हो रही थी, वेट ज़्यादा ना हो जाए उसका टेंशन चल रहा था। वो चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत याद थी कि किस प्रकार से काम हो रहा है। मित्रों, इस स्पेस साइंस में गुजरात गौरव करे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई जिन्होंने सपना देखा था, और यही एक छोटी सी कॉलेज एमजी साइंस जिसके कमरे में सबसे पहले क्रांत प्रारंभ हुआ था 1960 में, और बाद में 75 में सिग्नल टेस्टिंग का एक सफलता मिली थी हम लोगों को, और शायद उसके बाद इसी भवन से एक पहला 2,000-2,500 गांवों को संपर्क करने वाली एक व्यवस्था हमने सबसे पहली विकसित की थी, और पीज को लेकर के अपना एक सेंटर चलता था। तो ये सारी चीज़ें उसका एक प्रकार से प्रारंभ बिंदु यहाँ पर रहा, और आज दुनिया के उन 6 देशों में हम भी एक हो गए जो इस साहसपूर्ण काम को करने जा रहे हैं। मित्रों, मुझे याद है मैं जब छोटा था और ये सब सारी चीज़ें होती थी तो हमारे यहाँ ऐसा पढ़ने के लिए मिलता था लोग भूखे हैं और ये खर्चे हो रहे हैं, ऐसी भी चर्चा होती थी हमारे देश में, रास्ते तो बने नहीं और चंद्रमा पे जाने के लिए सपने देख रहे हैं, ये आलोचना होती थी, क्या जरूरत है सारी चीज़ों की। और सामान्य मानवीय चर्चा करें बहुत स्वाभाविक है कि उसको अंदाज नहीं होता है कि इन चीज़ों से क्या होता है। मित्रों, आज एजुसेट ने क्या कमाल करके दिखाई है, और मैं तो गुजरात सरकार खुद एजुसेट का जिस प्रकार से उपयोग कर रही है, रिमोट सेंसिंग सिस्टम का जिस प्रकार से हम उपयोग कर रहे हैं, इवन मेरे यहाँ मछुआरों को भी आपकी मदद से इतना फायदा हो रहा है,
आपने जो सैटेलाइट पे काम करवाए उसके कारण मैं मछुआरों को बताता हूँ, यार तुम बाई और मत जा, दाहिनी और जा, वहाँ कैच है। तो उसका ना डीजल का खर्चा होता है, ना समय बर्बाद होता है, उसको कैच मिल जाता है, वो अपना दो दो तीन तीन दिन के बाद पहले घर लौटता था, अब चार घंटे में वापस आ जाता है कैच पकड़ करके, परिवार के साथ रहता है। यानी विज्ञान का उपयोग गरीब से गरीब आदमी के लिए कैसे हो सकता है, और तब जा करके ये सिर्फ दुनिया के देशों में नाम कमाने के लिए नहीं है, ये विज्ञान सामान्य से सामान्य मानवी की जिंदगी को प्रभावित करता है। मित्रों, जब साइंटिस्ट इस कामों को करता है तब उसे एक साधना होती है, एक तपस्या होती है, वो अपना लगा रहता है, उसको साइंटिफिक विजन होता है, वो करता है। लेकिन जन सामान्य को उसकी क्या अनुभूति होगी, उसका क्या आनंद होगा, शायद कभी कभी वो भी उससे अछूता होता है। जैसे कभी होता है कि एक बड़ी होटल के अंदर खाना पकाने वाला खाना पकाता है लेकिन बधाइयां परोसने वाला लेता रहता है। खाने वाले को पता तक नहीं होता है कौन है अंदर जिसने पकाया है, इतनी मेहनत की है। और जो वेटर होता है जिसको सबको बाहर, भाई बहुत बढ़िया खाना बनाए, बहुत अच्छा बनाए, ये ठीक ना अच्छा फलाना अच्छा। मित्र, आप लोग तपस्या करते हैं, बधाइयां हम ले रहे हैं। नीचे अगर किसी को लाभ मिलता है, वो मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया, वैज्ञानिक की ये तपस्या होती है मित्रों, और ये तपस्या आप लोगों ने की है। जितना मैं थोड़ी बहुत रुचि लेता हूँ, चीजें अच्छी होती हैं तो मैं साइंटिफिक टर्म में तो दुनिया को नहीं जानता हूँ, लेकिन एक कॉमन मैन की तरह तो मैं इंतजार करता हूँ कि हम 15 दिन में अपना अंतिम डेस्टिनेशन पर पहुँचे। सर 15 दिन लगेंगे, इट विल टेक 15 डेज। तो मेरे मन की एक इच्छा है, जैसे मैं आज बधाई देने आया हूँ, मैं एक निमंत्रण देने भी आया हूँ। जिस दिन हम वहाँ पहुँच जाएँ फिर तो वो अपना रूटीन काम करेगा, 1.5 साल तक आपको रोज फिर डेटा आया नहीं आया, फोटो आया नहीं आया, एनालिसिस करना है, सब तीन वाला मामला। तो तो मैं चाहता हूँ कि एक शाम आपके नाम, मैं चाहता हूँ कैंपस आप तय करें, जहाँ भी सुविधा हो पूरा इसरो पूरा, और पुराने भी लोग हैं उनको भी बुलाइए सर। जहाँ भी ठीक लगे, और मुझे क्या करना है इतना बता दीजिए, आप मेरे आप ही की जगह पे होंगे, लेकिन आप मेरे मेहमान होंगे उस दिन। और एक इवनिंग बड़े शान से मनाए हम, साथ में खाना खाएंगे। तो मैं ये निमंत्रण देने आया हूँ आपको, मित्रों मैं इस घटना के आनंद को अनुभव कर सकता हूँ, मुझे मालूम है आज क्या हुआ है देश के जीवन में, विज्ञान के जीवन में, और इसका आने वाले दिनों में कितना परिणाम होने वाला है इसका मैं अंदाज कर सकता हूँ। और इसलिए खुशी जताने के लिए आपके बीच आपकी खुशी का एहसास करूंगा तो मेरी ताकत बढ़ेगी।